हम कहाँ थे लास्ट टाइम? अच्छा, ट्विन्स के ऊपर हमने बात की। ऑलराइट, सो यदि हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो कल वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ हमने एंडिंग की थी। तो आपसे मैंने बात की ट्विन्स के बारे में कि ट्विन्स कैसे होंगे। तो आपसे मैंने ये बात कही थी, जैसे मान लीजिए कि दो एग्स, जैसे कि एक्स एक्स हो जाए, है ना, राइट। और इधर आपसे आपके पास क्या बन जाए, लेट मी टेल यू। आप जानते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोसोम किसके पास होते हैं, मदर के पास, एंड एक्स वाई क्रोमोसोम किसके पास होते हैं, फादर के पास, राइट। अब हमने ये कहा था कि यहां से आ सकता है एक्स और यहां से आ सकता है एक्स अथवा वाई, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहां से एक्स और वहां से भी एक्स आया तो नॉर्मल क्या हो जाएगी, फीमेल। यहां से एक्स और वहां से वाई आया तो नॉर्मल हो जाएगा मेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल बॉय हो जाएगा। बट सवाल ये है कि ट्विन्स कैसे होंगे। तो अब ट्विन्स में ये नहीं कि जो है दोनों बेटियां ही हो, दोनों बेटे भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपको मैंने कहा था, जैसे मान लीजिए ये मदर एग, राइट, एंड फादर स्पर्म। एक प्रोसेस थी कि दो एग्स रिलीज हुए और वहां से मैंने आपको कहा था कि कितने स्पर्म सेल होते हैं, 550 मिलियन। तो यहां कमी नहीं है, यहां लिमिटेड है कि भाई एग दो एक ही होगा एक दिन के अंदर। और ओनली जस्ट वन, है ना, ओनली वन की बात की थी मैंने। और लाइफ स्पैन कितना है, कितने समय तक सरवाइव कर सकते हैं एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, ओनली वन डे, बोथ एग सेल एंड बोथ स्पर्म सेल एक दिन के लिए सरवाइव कर सकते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जैसे कि एग सेल, एक नहीं एग सेल कितने बन गए, दो बन गए एग सेल, राइट, टू एग सेल हो गए। तो मदर की ओर से खाली क्या आएगा, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। पर फादर की साइड से जो दो स्पर्म सेल आए हैं, जैसे मान लो इस तरह से दो छह स्पर्म सेल आए हैं, अगर दोनों मान लो ये वाई हो और ये भी वाई हो, राइट, ये हिट करेगा इसको, है तो ये दोनों एक्स, तो ये एक्स वाई, दूसरा भी एक्स वाई, दोनों क्या हो जाएंगे, बाय हो जाएंगे। बट ये भी चांस है कि फादर से क्या आए, एक्स आए ना, ये भी चांस है। बेटा की बेटी क्यों होती है, बेटा क्यों होता है, बेटा और बेटी होना किस पर निर्भर करता है, फादर पे। क्योंकि अगर स्पर्म सेल एक्स क्रोमोसोम आया तो वहां तो एक्स ही है हमेशा, तो वहां बेटी हो जाएगी। एंड फादर सेल वाई क्रोमोसोम के रूप में आया, जो स्पर्म सेल है, तो क्या होएगा फिर, मेल हो जाएगा। एंड अगर मान लो दो स्पर्म सेल निकलते हैं और दोनों वाई वाई के होते हैं, दोनों वाई वाई के, तो क्या होगा फिर, ये टकराएगा इसके साथ, ये टकराएगा इसके साथ, दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे बॉयज होंगे, ये ट्विन जो है वो। बट सवाल ये है कि क्या ये ट्विन्स देखने में सेम होंगे, पैदा इकट्ठे हुए, दिखने में सेम नहीं होंगे। जैसे कि जितना करिए आपका छोटा भाई आप जैसा दिखता है, या आपका बड़ा भाई आप जैसा दिखता है, किसके कोई है छोटे बड़े भाई यहाँ पे, किसी के होंगे ना, तो किसी ने बोला होगा ना आपको कि आप उनके जैसे दिखते हो,
इट मीन्स जो कॉमन लक्षण है जिस कारण से आप अपने भाई बहनों से दिखते हैं वो तो या होंगे ट्विंस में भी। तो जो सिबलिंग्स में होते हैं ना वो इनमें भी हैं, ट्विंस में भी हैं। तो ट्विंस जो होते हैं डजंट मीन कि दे आर नेसेसरली बिल्कुल सेम शक्ल के लोग। तो इनकी शक्ल सेम नहीं होगी, उतनी ही मैच करेगी जितनी कि आपकी नॉर्मल मैच करती है अपने भाई बहनों से, उतनी ही मैच करेगी। तो सवाल है इनको ट्विंस क्यों बोल रहे हैं, तो ये ट्विंस क्या हुए, इकट्ठे पैदा हो रहे हैं, ट्विंस बोल दिया, राइट। अगर मान लो फादर की ओर से अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आए स्पर्म सेल के रूप में तो दोनों क्या हो जाएंगी बेटियां, क्या दोनों की शक्ल सेम होगी, उतनी सेम होगी जितनी की एक सिबलिंग अर्थात नॉर्मल भाई बहन की शक्ल होती उतनी ही होगी। तो चिंकी मिंकी जो एक कपिल शर्मा शो में आई, ये कौन है फिर, इनका क्या चक्कर है फिर, जो हुबहू सेम दिखती है। क्या आपने वो शो देखा था जिसमें चिंकी मिंकी दो आती और आइडेंटिकल, कोई बता नहीं सकता कि ये कौन है और ये कौन है। ये फिल्म थी जुड़वा, उसमें सलमान खान सेम दिख रहा है, ऐसे कई डबल रोल थे। इट मीन्स कि आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होना ये रेयर केसेस मिलेंगे आपको। आई डोंट थिंक कि बहुत बड़े ज्यादा एग्जाम्पल इंडिया में है कि दो पर रेयर है ना, रेयर है मतलब आपके पूरे तहसील में शायद एक आध दो केस होंगे ऐसे पूरे तहसील में। जैसे मेरे गांव के ऊपर बगल में एक और गांव है, उनके भी दो मतलब इतने सेम नहीं है, बट थोड़ा आदमी धोखा खा सकता है उनकी शक्ल के ऊपर। एक जब मैं पढ़ा था ना कॉलेज के अंदर, तो भी वहाँ कॉलेज में स्टूडेंट जो थे ना, दो भाई थे और बिल्कुल सेम, मोहित और पत्नी मोहित मोहित और दूसरा पत्नी सोवित, कुछ ऐसे ऐसे नाम थे उनके, बिल्कुल सेम, हूबहू सेम, आइडेंटिकली सेम। अब उनका केस क्या है ये समझते हैं। तो जब ट्विंस होंगे, अंडरस्टैंड कीजिए ट्विंस कैसे होंगे, नॉर्मल ट्विन मैंने इनकी शक्ल कैसे होगी, नॉर्मल सिबलिंग जैसी, नॉर्मल जो सिबलिंग होती ना भाई बहन वैसी शक्ल होगी, बस इकट्ठे पैदा हो गए हैं ये है बस, बाकी शक्ल बोलेगा कि आइडेंटिकल है ऐसा नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता दिया बस सारा खेल कैसे हुआ है कि मदर को जहां अमूमन एक एक्सेल प्रोड्यूस होता है तो हो गए, जो कि रेयर होगा। तभी ट्विंस क्या होते हैं, रेयर होता है ना, किसी माँ को दो बच्चे रेयर पैदा होंगे तो ऐसा केस होता है। बट आपको मैंने कहा था कि इतना रेयर है कि मतलब ये जानबूझ के करना ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अब ये ट्विंस हैं, तो ट्विंस तो काफी, जैसे कुछ टाइम पहले एक बेटा और एक बेटी भी थे, कई नवोदय के टाइम पे कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे बड़े क्यूट से थे और दोनों ट्विन थे, उनकी शक्ल मैच नहीं करती थी, मतलब उतनी करेगी। वैसे भी अगर लड़की और दूसरा लड़का हो तो शक्ल इतनी मैच कहाँ से करनी है, बट फिर भी आप असल बात जानते हैं कि ये कब होगा। लिखे पाते कि नहीं लिखे, लिखी डाली इसमें नोट कुछ, ताकि आप भूल ना जाए बाद में। क्या आप लिख रखी है बात, ये लास्ट टाइम लिखी बात है कि नहीं लिखी? लिखिए, नॉर्मली अ मदर प्रोड्यूसेस सिंगल एग इन अ डे। अमूमन एक माँ एक दिन में एक ही एग सेल बनाएगी, लिख रखा है सारी बातें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साल में कोई एक आध दिन ऐसा होगा जिसमें कि दो, अगर नहीं लिखा तो लिख सकते हैं आप कि इट विल बी वेरी रेयर केस व्हेन द मदर प्रोड्यूसेस टू एग सेल, ऐसा बहुत कम होगा कि एक माँ दो एग सेल बना रही है। इसी कारण से ट्विंस आर वेरी वेरी रेयर, दैट्स व्हाई ट्विंस आर वेरी वेरी रेयर। इस कारण से ट्विंस का होना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी रेयर। तो ट्विंस का होना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जैसे मान लीजिए आज दिन है थर्सडे, पर आज किसी वेमेन को दो एग सेल जो है वो क्रिएट हुए हैं, तो उनका फर्टिलाइज होना बहुत जरूरी है उसी दिन, क्योंकि अगर एक दिन से ज्यादा समय हुआ और उनको फर्टिलाइज नहीं किया गया देन दे विल डैमेज। तो ये बहुत रेयर केस है कि जिस दिन वेमेन को एग सेल प्रोड्यूस हुए उसी दिन वो एग सेल फर्टिलाइज भी हो गए, ये रेयर केस होगा। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा केस बनेगा जब बच्चा बिल्कुल हूबहू सेम होगा। चिंकी मिंकी वाली कहानी पढ़ते हैं कि चिंकी मिंकी कैसे बन गई, तो टाइटल डाल दो चिंकी मिंकी ताकि याद रहे ना।
ट्विंस और चिंकी मिंकी में फर्क होता है। तो चिंकी मिंकी क्या हो गई? बिल्कुल आइडेंटिकल। मैंने जब कोई एक से शादी करेगा ना तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, साली कौन है ना, मंगाएगी नहीं वहां पे, तो बड़ी कंफ्यूजन होगी कि भाई कौन ये है कौन। तो पहचान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पहचान करना। तो पॉइंट इज दैट, अच्छा क्या उनकी, जैसे हम तो नहीं पहचान पाएंगे, क्या उनके माँ बाप पहचान लेते होंगे उनको, ये चिंकी और ये मिंकी है? आप जब रोज देखते हैं ना किसी चीज को तो पता चल जाता है, जो रोज देखते हैं वो पहचान लेते हैं, हम जो रेयरली देखते हैं हम नहीं पहचान पाते कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। जो रोज देखते हैं जिन्होंने बचपन से उनको पाला हुआ वो पहचान लेते हैं कि ये चिंकी, उनको माइन्यूट सा डिफरेंस दिख जाता है, वो पता कर ले, मतलब मैं बस समझे ना आप लोग, जब रोज किसी चीज को देखते हैं तो डिफरेंस मालूम आपको चल जाता है, राइट राइट नॉट? थोड़ी टाइम तो देखेंगे, ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे ज्यादा, ठीक है? नहीं है तो आइडेंटिकल है चिंकी और मिंकी, बिल्कुल उनकी शक्ल सूरत वगैरह हाइट वाइट सब सेम है, ऐसा कैसे हुआ? तो आइए समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक माँ से क्या निकलेगा, एक्सेल, और फादर से आ गया स्पर्म सेल, ऐसा बना देते हैं इसको, एक ही है ठीक है, एक ही सेल है, दो नहीं है जैसे पहले वहां देख रहे थे हम लोग, दो एक्सेल, एक्सेल एक ही है ठीक है। अभी दोनों आपस में फ्यूज हुए, इनका आपस में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मीन्स मिक्स होना या जॉइनिंग टुगेदर लाइक फ्यूजन इज एक्शन, और ये बन गया एक जायगोट, जायगोट बन गया, बना ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि नहीं है? नॉर्मल प्रोसेस है। चिंकी मिंकी करवाना है तो ये भी चाहिए हमें एक्स क्रोमोसोम, और ये भी हमें क्या चाहिए, फादर की ओर से भी एक्स, फीमेल चाहिए ना, तो एक्स एक्स पे फीमेल क्रिएट होगी। अभी जायगोट कैसा वाला है? एक्स एक्स वाला, इट मींस इसका जेंडर क्या है, फीमेल, एक्स एक्स। अगर राम रहीम बनाने हैं, या नहीं सर कौन सी फिल्म थी वो जिसमें कि दो डुप्लीकेट थे, नहीं जुड़वानी एक और फिल्म थी जिसमें बिल्कुल श्याम, राम श्याम कुछ ऐसा था, राम और श्याम कोई पुरानी फिल्म थी, उसमें बिल्कुल डिट्टो दिखाया गया था उनको, ये जायगॉट बन गया। अब जायगॉट इसके बाद क्या होता है, जायगॉट में माइटोसिस, याद को माइटोसिस से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पूरा क्या बन जाएगा, जायगॉट का गुच्छा बन जाएगा, बना लो कुछ है। क्या अभी कोई बॉडी पार्ट क्रिएट होना शुरू हुआ है? नहीं हुआ है अभी, क्या सिंपली जायगॉट है। इस जायगॉट को आप अंगूर का गुच्छा जैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे बनेगा स्टार्टिंग में, अंगूर का गुच्छा जैसे। अब होगा क्या कि ये टूट तो जाएगा दो पार्ट में जायगॉट, जब ये पूरा क्या बन गया, गुच्छा। इसे बोलते हैं क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ये ब्रेक होगा आगे, जैसे मान लो यहां आठ है ना, तो चार यहां पे और 16, आठ यहां और आठ यहां पे, ऐसे कुछ मान लो, अगर ये आठ थे तो अब चार चार में क्या होगा, टूट जाएगा, बट है तो सेम ना। इनका जायगॉट क्या था, सेम, दे बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम जायगॉट और नॉट, सेम जायगॉट। अब ये फर्दर क्या करेगा, अगेन बड़ा गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये फर्दर बड़ा गुच्छा बनना स्टार्ट, और आहिस्ता आहिस्ता ये किस शेप में आ जाएंगे, फेटस है ना, भ्रूण बोलते हैं इसको, तो ये बन जाएगा अलग फेटस, और ये बन जाएंगे अलग फेटस। क्या थे, एक्स एक्स थे? नहीं, दोनों दोनों क्या होंगी, बेटियां। अब इनकी शक्ल हूबहू सेम होगी, आइडेंटिकली सेम होंगे, ये पहचाने नहीं जाएंगे दोनों। रीजन क्या है, दे बोथ आर फ्रॉम सेम जायगॉट, ट्विन्स क्या थे, वो डिफरेंट जायगॉट के थे, ये अलग था ये अलग था,
दो अलग सेल थे ना, ये मिले आपस में अलग जायगॉट बना, ये मिले आपस में अलग जायगॉट बना, तो कुछ डिसिमिलैरिटी होंगी, और जो कि होती है नॉर्मल भी। तो दो एक्सेल थे ना, एक एक्सेल की नेचर क्या थी, अलग, एक एक्सेल की नेचर क्या थी, अलग थी। नेचुरली उन फिर एक्सेल से लक्षण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक्सेल क्या था, सेम था, स्पर्म सेल क्या था, सेम था, जायगॉट दोनों का ही था। इट मीन्स अगर ये टूटेगा तो दोनों में सेम लक्षण ट्रांसफर होंगे, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, लक्षण भी क्या उनके होंगे सेम। आई रिपीट अगेन, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, सेम, जायगॉट को। तो जो मटेरियल इसमें है वही मटेरियल क्या है, इसके अंदर भी है, सेम लक्षण, एवरीथिंग इज सेम। तो ये दो कर जाएंगे बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये दोनों बिल्कुल हो जाएंगी कैसी, आइडेंटिकल। तो कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या समझने में? अब आगे हम बात करें, आइडेंटिकल तो हो गई, सपोज कर दोनों अनपढ़ है, सपोज कर लो दोनों क्या अनपढ़ हैं, और दोनों ने लगाना अंगूठा पैसे निकालने के लिए, मान लो ऐसे कर लेते हैं, अंगूठा लगाना है और पैसा निकाल लेना है। एक के पास पैसे काफी मेहनती और दूसरी मेहनती नहीं है, पैसे उसके पास नहीं है, तो ठगने के पूरे चांस नहीं है क्या? हमारे देश में साइन करने के साथ साथ में एक प्रथा और भी है ना, अंगूठा लगाने का भी, जनपढ़ होते हैं, बैंक खातों से आज भी अंगूठा लगाकर पैसे निकाल लिए जाते हैं, आज भी अंगूठा लगाकर एंट्री दी जाती है, आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के ही सामान दे दिया जाता है। तो अगर ये बिल्कुल सेम है तो फिर ऐसा होने का चांस नहीं है क्या कि एक ने बहुत संपत्ति बनाई हो, मेहनत की हो, ठीक हार्डवर्क किया और बैंक में 10 लाख जमा करवा दिए, अगले दिन वो आई बैंक में, गई शक्ल सेम थी, पहचान ही नहीं गई, लगा पैसे निकालने 5 लाख, अंगूठा लगाया, मैच्ड, ट्रांजेक्शन आउट, और वहां पे त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, पैसे के बाद भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही आंसर है। इट मीन्स आइडेंटिकल होने के बावजूद भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, राइट? नो फिंगरप्रिंट एवर कैन बी सेम, इवन ट्विन्स हैं, शक्ल, नाक, वाक, आंख, चिंकी पिंकी, जो भी टिंकी जो इनका नाम है, अगर ये सेम भी हैं तब भी इनका फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। अब चक्कर क्या है ये कि दोनों के सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो फिर फिंगरप्रिंट डिफरेंट क्यों हो गए? क्या फिंगरप्रिंट के लिए कोई और टेक्नोलॉजी आती है? जब दोनों का सब कुछ ही सेम है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, दोनों सेम जायगॉट को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि वो अलग हो गई, फिंगरप्रिंट अलग हो गए? तो रीजन ये है कि फिंगरप्रिंट बनते कैसे हैं हमारे, जो ये फिंगर के प्रिंट होते ना, ये बनते कैसे हैं, एनीबडी नोस कैसे बनते हैं? ये ऑटोमेटिक बनते हैं कि हम बाद में कुछ प्राणायाम योगा करते हैं तो ऐसे बन, कब बनते हैं ये, कैसे बन जाते हैं? ऑटोमेटिक बनते हैं, जब ऑटोमेटिक ही बनते हैं तो अलग क्यों बने इनके? फिर दोनों का जायकॉट सेम है, तो जब ऑटोमेटिकली कुदरत बना रही है, तो जब इनका जायकॉट सेम है तो इनकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए थी, सारी चीजें सेम है, एक डिफरेंट हो गई। रीजन ये है कि फिंगरप्रिंट चाहे किसी भी उंगली की हो ना आपके, वो बनते कैसे हैं? जब गर्भ में बच्चा होता है ना और अपने हाथ ऐसे खोलता रहता है, उसे बनते हैं ये फिंगरप्रिंट। अब दोनों सेम टाइम पे कर रहे हैं, 1 2 1, ऐसे तो होगा नहीं ना कि वो सेम टाइम पे हाथ खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, हाथ खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा ये हाथ की मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे अंदर फिंगरप्रिंट बनते जाएंगे। और कभी ऐसा मुमकिन होगा कि दोनों सेम टाइम पे सेम कर रहे हैं? ये तो होगा नहीं, एंड दैट इज वाई फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं। And that is why आज भी fingerprint is the most accurate way of providing the security. आपने लैपटॉप या कोई भी डिवाइस या कोई भी आपने लॉग इन करवाना है, आज भी फिंगरप्रिंट से होते हैं। आपने किसी दफ्तर जाना है, आपने कहीं हाजिरी लगानी है दफ्तर में, तो भी फिंगरप्रिंट से ही अटेंडेंस लगवाई जाती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वही पर्सन आया है। साइन करने तो कोई भी साइन कर देगा ना, जैसे हम कॉलेज में थे ना, पढ़ाते थे 2013 में, तो जैसे मेरे बगल में जो प्रोफेसर आया था, उन्होंने बोलना किसी दो उसको कि यार मेरे साइन कर देना, मैं लेट आऊंगा। मॉर्निंग में अटेंडेंस रजिस्टर होता था, तो जैसे हमने कॉलेज पहुंचना ना, तो सबसे पहले हमारे साइन होते थे वहां पर, कि जैसे साइन होने फिर जैसे 9:20 और नीचे साइन कर देना,
ठीक है, नहीं है। और जैसे मान लो अगर हमारी एंट्री होती है 9:23 पे, तो जो भी 9:31 लिखेगा आधे दिन की सैलरी उसकी कट, 1 मिनट आगे हुआ तो कट। सवाल है कि लिखो मत 9:31, 9:30 ही लिखो, बट आपसे ऊपर जो छात्र लिख के गए ना 9:30, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको 9:30? जो आपसे ऊपर कोई लिख के चला गया ना, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया कि 9:30, तो आप 9:30 ही लिख रहे हैं नीचे तक, कैसे मुमकिन होगा? कि ये भी 9 इकट्ठे आए क्या कूद कर कि इकट्ठे? तो वहीं से डाउट पड़ते कि आप लेट आ रहे हैं, और कोई एक आदमी अगर डाल दे 9:31, तो फिर आप तो 30 लिख नहीं सकते नीचे, फिर उसके फंस गए ना। पर यहाँ पे भी बड़ा इजी चांस है कि आप बोल दो किसी अपने दोस्त प्रोफेसर को कि काम करना, मेरे साइन ऐसे ऐसे हैं, करके निकल जाना, तो मैं लेट आऊंगा, तो सैलरी नहीं कटती थी हाफ डे की। कई बार बाइक पे हटते हैं अमूमन 2-4 मिनट, तो आधे दिन की सैलरी उनकी कटती थी वहां पे, हाफ डे सैलरी, तो किसी और ने साइन करने। 2014 में कॉलेज वाले परेशान होकर क्या करा, ये फिंगरप्रिंट वाला ले आए, फिर करो आप ये दूसरे के साइन, तो फिंगरप्रिंट लगाने तो हमारी अटेंडेंस ना करती थी वहां पे, फिर तो सभी टाइम पे ना शुरू हो गए, क्योंकि नो बडी कैन मैच अदर्स फिंगरप्रिंट। साइन कर सकते हैं आप कॉपी पेस्ट, मगर ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लिखिएगा, मैंने फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, कारण क्या है कि फिंगरप्रिंट के बनने का तरीका ही बड़ा अजीबोगरीब है। फिंगरप्रिंट इवन दी ट्विंस आर आइडेंटिकल, ट्विंस को क्या बोलते हैं, जुड़वा, क्या बोलते हैं, जुड़वा, जुड़वा अगर सेम है, बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको। लिख लीजिए आप कि अगर ट्विंस आइडेंटिकल हैं, देखो हमें तो ऑप्शन टिक करनी ना उसके लिए, साइंस के लिए, तो वैसे लिखिए, साइंस का भी मेंस में क्वेश्चन नहीं आता इस तरह से। क्या बोला मैंने, अगर ट्विंस आइडेंटिकल हैं फिर भी उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे, फिर भी उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट माँ के गर्भ में जब बच्चा अपनी हथेली को खोलता और बंद करता है, जब बच्चा अपने माँ के हाथ में, सॉरी माँ के, क्या बोल रहा हूँ मैं, कहीं और ही चला गया हूँ, माँ के गर्भ में हथेली खोलता और बंद करता है, हथेली को खोलता और बंद करता है, तो उससे ये फिंगरप्रिंट बनते हैं, तो उससे ये फिंगरप्रिंट बनते हैं, राइट? तो दैट्स वाई कि दोनों सेम नहीं हो सकते, नहीं तो फ्रॉड के बड़े चांसेस थे। लिखिए, नो बडी इन दिस वर्ल्ड हैज, दुनिया में ऐसे कोई भी दो लोग नहीं हैं जिनका सेम फिंगरप्रिंट है। नो बडी इन दिस वर्ल्ड हैज आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट्स, दुनिया में कोई ऐसे दो लोग नहीं जिनका सेम फिंगरप्रिंट हो। मैंने इसलिए बायोमेट्रिक स्कैनिंग देखना ना आधार कार्ड के अंदर, हम क्यों ले रहे हैं, व्हाई वी आर क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक मतलब सबके अलग होगी, बिकॉज सबका अंगूठा क्या है, अलग है। हाँ, इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी बाद में, क्योंकि जैसे आप काम करते हैं ना, तो काम करने से आपके फिंगरप्रिंट थोड़े घिस जाते हैं, जिस कारण से फिर वो मैच ही नहीं होगा, वो समस्या आएगी, बट सेम तो कभी नहीं होगा, मैच नहीं होगा ये बात सही है, पर कभी सेम हो जाए ये मुमकिन नहीं है। तो जो आपने पहली बार उसका थंब इम्प्रेशन दिया था, स्कैन करवाया था आधार कार्ड में, एंड आपने कहीं अगर सीमेंट वीमेंट कहीं होते हैं ना, मजदूर लोग जो लेंटर डालते हैं, तो वो सीमेंट में हाथ डाल देते हैं कई बार, तो सीमेंट उनके हाथ फाड़ देता है, या कोई मिट्टी में काम करते हैं तो मिट्टी जो होती है हाथ को फाड़ देती है, मैंने थोड़े दरार डाल देती है उसके अंदर, जिस कारण से जो फिंगरप्रिंट है साफ नहीं रहते और फिर वो मैच नहीं हो पाते। इस कारण से कई गरीब लोग गांव के अंदर राशन लेने जाते हैं और फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं करते, राशन नहीं ले पाते हैं, ये बड़ी समस्या है। ये जरूर है कि पहले फ्रॉड था राशन कार्ड का, फेक राशन कार्ड चलते थे, फेक राशन कार्ड, एक फैमिली के नाम पे 2-3 3 राशन कार्ड है, बोरे बोरे भर के ट्रक में लेके जा रहे हैं घर को, राइट? ये चीज थी, फ्रॉड था कि नहीं था। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन से क्या हुआ कि बोगस जो आईडी कार्ड है, बोगस मीन्स डुप्लीकेट आईडी कार्ड को रिमूव किया गया सिस्टम से, पर साथ साथ में क्या हो गया, जिनका आईडी कार्ड अब जिनका ये बायोमेट्रिक स्कैन मैच नहीं कर पा रहा था, हम तो बेचारे खाली हाथ घर जा रहे हैं, राशन नहीं ले पा रहे हैं, देन ये ज्यादातर किसके साथ होगा, लेबर क्लास, बाकी वर्किंग क्लास के हाथ क्या होंगे, साफ ही होंगे। तो जिनको सच में जरूरत है डिपो के राशन के, वो अटक जा रहे हैं बेचारे
क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिनके फिंगरप्रिंट ये मैच नहीं होते, आधार कार्ड वाले? या एग्जैक्टली, मैंने जो लोग 70 साल से ऊपर हैं उनके ये जो फिंगरप्रिंट है थोड़े से हल्के हल्के से खराब होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज वे फिर वहां काफी दिक्कत आती है। बाकी लोग लीजिए ब्रेक 1 मिनट का, फिर आगे बढ़ते हैं।